नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। राहुल गांधी नामांकन भरने के लिए अमेठी के रास्ते में है। रोड शो उनका शुरू हो चुका है। अलग अलग गांव कस्बों से गुजरते हुए वो अमेठी शहर पहुंचेंगे, जहां पर कलेक्टर के दफ्तर में उनका नामांकन दाखिल होना है। आज ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमहट पहुंचने की, जहां पर हवाई पट्टी है और विमान उनका लैंड कर चुका है वहां पर। उसके बाद स्वागत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही रोड शो जो अमहट से ही शुरू हो गया और वहां से राहुल गांधी अपनी गाड़ी से ऊपर निकलकर लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ने लगे। सोनिया गांधी उनके साथ पहुंची हैं। प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ पहले ही अमेठी में मौजूद हैं। लगभग आधे घंटे के आसपास राहुल गांधी अपना नामांकन भर लेंगे। सफ़र ये करीब 40 किलोमीटर का है, लेकिन चूंकि वो लोगों से मिलते जुलते अभिवादन करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, रुकेंगे नहीं कहीं पर, लेकिन गाड़ी की रफ्तार धीमे कर करके लोगों का अभिवादन करते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। आज अमेठी में वो पर्चा भरेंगे अपना, और उसी की तैयारियां किस तरीके से की गई हैं, किस तरीके से ये काफिला आगे बढ़ रहा है, वो सारी तस्वीरें। 2 बजे से पहले पहले उन्हें नामांकन अपना दाखिल कर लेना है, इस तरह की जानकारी दी गई है। अभी इस काफिले में सोनिया गांधी है राहुल गांधी के साथ। प्रियंका पहले से यहां पर मौजूद है। कौन कौन भीतर जाएगा ये सारी चीजें अभी देखनी है, लेकिन 40 किलोमीटर का ये रोड शो चल रहा है। आधे से अधिक फासला वो पूरा कर चुके हैं और अब अमेठी शहर का रुख कर रहे हैं। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत लगातार गौरीगंज से हमारे साथ मौजूद हैं। गौरीगंज में तैयारियां किस तरह की थी वो हमने आपको दिखाई थी, लेकिन राहुल गांधी क्या यहां पर पहुंचे हैं, पहुंचने वाले हैं विक्रांत? ये देखिए, पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सबसे ऊपर जहां से आप बेहतर शॉट देख सकेंगे, बेहतर शॉट दिखाई देंगे, आज तक वहां पर मौजूद है, इसलिए आज तक को देखते रहे दर्शक। आप देख सकती हैं सबसे ऊपर यहां से जो मेरे बाईं ओर है, मैं कैमरामैन संजय चौधरी से कहूंगा, वहां से राहुल गांधी का काफिला कुछ ही देर में वहां पर पहुंचेगा। और उसके बाद अगर आप देखें सड़क के दोनों तरफ लोग यहां पर पहुंच गए हैं, लगातार तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस के झंडे, डंडे, टोपी, बैंड बाजे हैं। और उसके साथ ही अगर मैं दाईं ओर कहूं कैमरा पर्सन संजय चौधरी से दिखाने के लिए, तो कुछ महिलाएं मौजूद हैं, गुलाब के फूल लिए हुए हैं, साथ में दही और चीनी भी लिए हुए हैं, ढोल नगाड़े, और उसके आगे अगर थोड़ा सा ले जाएं तो वहां पर बैंड वाले भी हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस अमेठी के अंदर, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। निश्चित तौर पर अगर इतिहास को याद करें तो 2004 में जब सोनिया गांधी ने अमेठी की सीट राहुल गांधी को सौंप दी थी, तो कुछ उस तरह का नज़ारा दोबारा पेश करने की कोशिश है, क्योंकि अब 2014 में ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की कमान सोनिया गांधी राहुल गांधी को सौंप रही हैं। कांग्रेस पार्टी का चेहरा सोनिया गांधी और राहुल गांधी बन रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा, सोनिया गांधी राहुल गांधी को बना रही हैं। तो ऐसे में एक नए तरीके से राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की आप तैयारी अमेठी में कह सकती हैं, इसीलिए रोड शो का पूरा इंतजाम किया गया है। कहा जा रहा है कि पूरे रास्ते में 12 से 15 टन गुलाब की पंखुड़ियों का भी इंतजाम किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि एक भव्य प्रोग्राम की तैयारी है कांग्रेस की ओर से। निश्चित तौर पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में नामांकन किया था, उसके बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली में किया था, तो राहुल गांधी का भी शो कुछ ऐसा ही होना था। गांधी परिवार पूरा है। साथ ही साथ एक अहम बात और बता दूं कि रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके साथ रॉबर्ट और प्रियंका की बेटी मिराया भी मौजूद रहेंगी यहां पर रोड शो के दौरान। तो गांधी परिवार पूरा अपनी, जो आप कह सकते हैं अपनी धरती है, कर्मभूमि जिसे कहता है अमेठी, वहां पर रोड शो करेगा, जनता से मुलाकात करेगा, नामांकन दाखिल करेंगे राहुल गांधी। क्योंकि प्रियंका गांधी जुड़ चुकी है उनके साथ, क्योंकि काफिला जब अमहट से निकला था तो वहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी निकले थे साथ में। प्रियंका गांधी जुड़ चुकी है या गौरीगंज से जुड़ेंगी उस काफिले के साथ? जी, धम्मौर वो भी पहुंचे हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि धम्मौर वहां पर पहुंचे, और प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ मिराया भी वहां पर रहेंगी, मिराया जो प्रियंका की बेटी हैं। तो पूरा गांधी परिवार अपनी जो कर्मभूमि है या अपना गढ़ है, जिसे अमेठी कहते हैं, रायबरेली कहते हैं, इस इलाके में मौजूद रहेगा। दिलचस्प बात यह है कि बगल से उनके रिश्तेदार या आप कह लें कि चचेरे भाई वरुण गांधी भी सुल्तानपुर से मैदान में। जी, सबसे ताज़ा पीढ़ी भी लगता है रामकृपाल जी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में आज उतरने वाली है। लेकिन ये बताइए कि जो हम स्वागत देख रहे हैं, ऐलान हो चाहे नहीं हो कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन अमेठी की जनता भावी प्रधानमंत्री देख रही है राहुल गांधी? बिल्कुल सही है। मैं जैसा मैंने अभी कहा था कि हाँ, वो आज चाहे 2000
14 की जो लड़ाई है इमीडिएट, इस बार चाहे कांग्रेस सत्ता में ना आए लेकिन एक भावी प्रधानमंत्री के रूप में राहुल को सिर्फ अमेठी की ही नहीं, देश की जनता भी उस तरह से देख रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी एक चुनाव में पराजय से कोई खारिज नहीं होने वाली है। एक राष्ट्रीय दल है, विकल्प रहेगा। और जिस तरह से अभी आपके संवाददाता ने कहा कि 2004 में सोनिया जी ने अमेठी राहुल को सौंपी थी, इस बार वो पूरी कांग्रेस पार्टी की, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी उनको सौंपने जा रही है। और जैसा कि उस दिन जब रायबरेली में सोनिया भर रही थी तो ड्राइव राहुल गांधी कर रहे थे, तो ये भी एक प्रतीक था कि अब सोनिया जी ने एक कांग्रेस की गाड़ी जो है अब वो राहुल ही चलाएंगे। और तो ये इस तरह से एक कहीं ना कहीं से आज की तारीख में जब हम आप अभी बात कर रहे थे, जब कोई क्षेत्रीय नेता ऐसा नहीं है जो मोदी के सामने आज खुद कह दे कि नहीं मैं मोदी के चैलेंज में खड़ा हुआ हूँ या मैं हूँ, तो उस समय राहुल कहें या न कहें लेकिन ये देश कहीं ना कहीं मान रहा है कि अगर मोदी के सामने कोई चुनौती है या भविष्य की कोई चुनौती बनने की ताकत रखता है तो वो राहुल गांधी है। आज की तारीख में 2-4 साल के बाद क्या वो करवट लेता है, मुल्क की तस्वीरें कोई नहीं जानता है, लेकिन आज जैसा मैं फिर कह रहा हूँ वर्तमान न सही भविष्य के भावी प्रधानमंत्री का जो एक छवि है वो राहुल के साथ है। और इसलिए अभी फिलहाल मुझे लगता है जब तक कांग्रेस पार्टी एकदम कोई ऐसा चीज़ नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी पर्दे से गायब हो जाए, तो राहुल या गांधी परिवार जब तक कांग्रेस पार्टी है तब तक राहुल परिवार के नाते ही, गांधी परिवार के नाते ही जानी जाएगी। अभी दूर दूर तक मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऐसा हो कि गांधी परिवार के से हट करके कोई कांग्रेस पार्टी जिंदा रह सकती है या जिंदा रहने की कोई, कम से कम अभी तो हाँ जी ऐसी झलक नहीं दिखाई दे रही है। कुमार विक्रांत, जब 2004 में राहुल गांधी यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे थे उस वक्त इंडिया शाइनिंग का पूरा नारा चल रहा था, लग रहा था पता नहीं कांग्रेस पार्टी आ पाती है नहीं आ पाती है। 2009 में जब चुनाव लड़ने वहां पर पहुंचे तब से लोगों को थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा कि क्या युवराज को महाराज घोषित कर दिया जाएगा। इस बार वो उम्मीद ज्यादा प्रबल लग रही है क्या अमेठी की जनता के दिलों में? विक्रांत आवाज आई आपको? विक्रांत आवाज आ रही है आपको? रेडी रहो, जैसे काफिला आएगा तो। विक्रांत वहां पर काफिले आने की तैयारियां कर रहे हैं, जाहिर है उनके साथ जो कैमरा पर्सन मौजूद हैं उन्हें स्पष्ट तौर पर यह निर्देश दिया जा रहा है कि कहां से वो तस्वीरें सर्वश्रेष्ठ तरीके से आप तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। ये उन महिलाओं का जमावड़ा वहां पर देखिए जो कि जैसा विक्रांत ने बताया भी कि हाथ में दही चीनी लेकर खड़ी है, अब राहुल गांधी उसमें से एक निवाला ले पाएंगे भी या नहीं, ये उतना नजदीक पहुंच पाएंगे या नहीं ये भी सवाल है, लेकिन हाथ में लेकर जरूर खड़ी हैं कि भाई मुहूर्त अच्छा रहे, उनका उनकी किस्मत अच्छी रहे जो वो नामांकन भरने जाएं उससे पहले, ये परंपरा है उसे निभाते हुए यहाँ पर दही चीनी लेकर खड़ी हैं। और साथ में गुलाब की वो पंखुड़ियाँ, 15 टन पंखुड़ियाँ हैं रास्ते भर उन पर बरसाई जा रही हैं ये महिलाएं इस जगह पर जो कि कांग्रेस कार्यकर्ताएं भी हैं। विक्रांत आवाज़ आ रही है अब आपको? जी बिल्कुल। विक्रांत हम ये चर्चा कर रहे थे कि 2004 में जिस तरह से राहुल गांधी यहाँ आए, 2009 में जब आए तब तक कांग्रेस सत्ता में थी, और अब 2014 में जब आ रहे हैं, जब हर पोस्टर पर राहुल गांधी की तस्वीर है, मनमोहन सिंह कह चुके हैं कि मैं नहीं प्रधानमंत्री बनूंगा अगली बार, अमेठी की जनता उनमें देख रही है भावी प्रधानमंत्री को? जी बिल्कुल, 2004 में राहुल गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया था और उस वक्त सोनिया गांधी अमेठी से सांसद हुई थी और उन्होंने 2004 के चुनाव में अपनी सीट राहुल गांधी को दे दी थी। राहुल गांधी यहां से चुनाव जीते, 2009 में जीते, लेकिन तब कांग्रेस सत्ता में थी। और इस बार जिस तरीके से देश भर में सर्वे हो रहे हैं, जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं और जिस तरीके से कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस डिमोरलाइज है, ऐसी भी खबरें आती रही हैं, कई बड़े नेता चुनाव लड़ने से इनकार करते रहे, उसके बाद कमर कसी गई, बड़े नेताओं को कहा गया कि आप चुनाव लड़िए, और ऐसे में कहीं कम से कम कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस भविष्य में तो रहेगी ही पार्टी, एक अगर हार भी जाती है तो क्या, इस सवाल कहते हैं कांग्रेसी। और ऐसे में राहुल गांधी जब कांग्रेस का चेहरा बन चुके हैं, कमान उनके हाथों में जानी है, तो 2014 में खुद सोनिया गांधी को लगता है कि नॉमिनेशन फाइल करें राहुल गांधी, और कांग्रेस की रणनीति पूरी यह है कि राहुल गांधी की जीत का जो अंतर है वो कम से कम बढ़े, अमेठी में कम से कम बढ़े, राहुल गांधी का कद यहां से बढ़े। यही वजह आप देख सकती हैं कि संजय सिंह, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि तमाम खबरें आ रही थी
कि वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं, सुल्तानपुर से सांसद हैं, अमेठी के राजा हैं, अमेठी से बीजेपी के टिकट पर लड़ सकते हैं, राहुल गांधी को चुनौती दे सकते हैं, तो उनको चुनाव के ठीक पहले असम से राज्यसभा दे दी गई। समाजवादी पार्टी ने अमेठी से उम्मीदवार खड़ा नहीं किया गया। तो इस तरीके से कुछ एक चाक चौबंद कोशिश की है कांग्रेस ने कि अमेठी में जीत का अंतर घटने ना पाए। ये एक बड़ी चुनौती है अमेठी में राहुल गांधी के सामने, और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की इसी पर निगाह रहेगी, क्योंकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तो पूरे देश में प्रचार करेंगे, तकरीबन 125 रैलियां कर रहे हैं पूरे चुनाव में, सोनिया गांधी 80 रैलियां करेंगी, तो प्रियंका गांधी के हाथों में जिम्मेदारी होगी रायबरेली अमेठी की, खासकर अमेठी में, कि राहुल गांधी का जीत का मार्जिन बढ़े। जी, जीत का मार्जिन दरअसल ये प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया है रामकृपाल जी, क्योंकि चाहे आप रायबरेली जाकर पूछें या आप वडोदरा जाकर पूछें, चाहे आप वाराणसी की बात करें जहां पर कांटे की टक्कर यहां पर इस वक्त नजर आ रही है, लेकिन हर जगह यही रहता है कि सिर्फ जीत नहीं चाहिए, अप्रत्याशित जीत चाहिए। देखिए, कुल मिलाकर के जो यूपीए 2 के खिलाफ एक जो माहौल बन गया है ना, उसमें कुछ न कुछ एक प्रतीकात्मक चीजें तो ऐसी होनी चाहिए जिसको आप ये कह सकें कि नहीं, डिस्पाइट सो मेनी ऑड्स, देखिए हमारा गेन ये है। तो जाहिर सी बात है कि अब जब से राहुल जी या सोनिया जी, जिनके नाते कांग्रेस पार्टी जानी जाती है, अगर कांग्रेस की पराभव के बावजूद अगर राहुल अप्रत्याशित वोटों से जीतते हैं, तो ये कहने का तो होगा कि राहुल ने इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जब कांग्रेस की ये हालत हुई तो हमने ये जीत हासिल की है, दर्ज की है। और अगर कोई फेवरेबल रिजल्ट आ जाता है तब भी अप्रत्याशित, अगर कांग्रेस को फेवरेबल रिजल्ट मिलता है और राहुल की मार्जिन कम हो जाती है, तो कांग्रेस के लिए फिर तो ये कहना होगा कि देखो कांग्रेस तो अच्छा खासा कर रही थी और उसमें भी आपको कम वोट मिले। तो हर हालत में जब पता हो कि आप पास हो ही रहे हैं एग्जाम में, तब बात पास फेल की नहीं रहती, तब ये होता है कि आपका परसेंटेज क्या आने वाला है। तो इसलिए प्रतिष्ठा इसी बात की होगी कि इस बार मतलब त्रिकोणीय लड़ाई के बावजूद राहुल का मार्जिन क्या होता है। हाँ। वो पूरी कोशिश यही होगी। और जैसा मैंने पहले कहा था, देखिए आपके संवाददाता भी कह रहे हैं कि शायद प्रियंका गांधी रायबरेली और यहीं रह करके कंसंट्रेट करें कि मेरे भाई का कि जो जीत हो वो इतने ज़्यादा वोटों से हो कि ताकि हम एक सबके सामने कह सके कि हाँ देखो अमेठी की जनता ने हमें अभूतपूर्व सफलता दिलाई और हमारे साथ है, और ये देश के हम फ्यूचर, जैसा बात तो बार बार कह रहे थे कि जब आप अप्रत्याशित वोटों से जीतेंगे तो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आप ही ड्राइवर हो, आप ही उस गाड़ी को ले जा रहे हो जो कांग्रेस को आगे एक भविष्य बनाना है आपको, तो उसमें एक होता है कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस के पार्टी के तमाम नेताओं में एक नए ढंग का जोश आएगा, उत्साह आएगा। लेकिन अगर आप कहीं किसी भी तरह जीत गए तो थोड़ा सा ये भी होता है कि आप जा करके उन कार्यकर्ताओं में जो लगे हुए रहते हैं वो थोड़ा उत्साह भरना मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी किसी भी पराभव के बाद भगदड़ मचती है, हर पार्टी में होता है। तो राहुल के लिए सिर्फ जीत और हार इस इलेक्शन में, यानी कांग्रेस और केंद्र में सत्ता में पहुंचना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर नहीं पहुंचते हैं तो अपनी पार्टी को बनाए रखना और आगे की लड़ाई के लिए लोगों को तैयार करना, ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के लिए भी राहुल को ज़्यादा वोटों से जीतना बहुत ज़रूरी है, और इसी की तैयारी वहाँ पर दिख भी रही है। हम आपको वो तस्वीरें लगातार अमेठी से दिखा रहे हैं जो रोड शो की हैं, और पहुँचने वाले हैं वो गौरीगंज। गौरीगंज एक अहम केंद्र हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कुमार विक्रांत, क्या यहाँ पर कुछ देर रुकने की संभावना है राहुल गांधी की, या बस यहाँ से भी बस गुजरेंगे वो जैसा बाकी इलाकों से गुजरते हुए आगे बढ़े हैं? जी, ये जो स्पॉट है, मैं अपने कैमरा पर्सन संजय चौधरी से कहूँगा कि थोड़ा नीचे के विजुअल आपको दिखाएं। ये जो स्पॉट है, यहाँ पर ये माना जा रहा है कि कुछ देर के लिए रुकेंगे राहुल गांधी, और जिस तरीके से मेरे दाईं ओर ये जो महिलाएं हैं और ये गुलाब के फूल और दही चीनी लेकर खड़ी हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर दही चीनी शायद राहुल गांधी खाएंगे। और जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, जिनके जो जिम्मेदारी है जिनके कंधों पर, मुन्ना सिंह, उनका ये कहना है कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रोग्राम होगा वो इसी गौरीगंज के, इसी सब्जी मंडी है यहाँ पर, और सब्जी मंडी में यहीं पर होगा, और यहाँ पर बैंड बाजे भी हैं, ढोल भी हैं, और गुलाब की पंखुड़ियाँ सबको दे दी गई हैं, और एक गाड़ी भी है जो कि यहाँ चलती है और उससे गुलाब की पंखुड़ियाँ निकलती हैं, तो रोड को गुलाब की पंखुड़ियों से पाटने की भी पूरी तैयारी है। तो कम से कम अमेठी के लोग ये कह रहे हैं कि हमारा हीरो आने वाला है, अमेठी का हीरो आने वाला है। तो अब अमेठी का हीरो अगर राहुल गांधी को, ये कम से कम कांग्रेसी तो ये मानते हैं, कांग्रेसी यही चाहते हैं, और वो यही कहते हैं कि इस बार हमारी कोशिश जीत का अंतर बढ़ाने की है। तो कुल मिलाकर देश की जो भी स्थिति हो, अमेठी में स्थिति थोड़ी बदली सी नजर आती है कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए।
जी, क्योंकि गौरीगंज भी इसलिए क्योंकि आसपास के जो गांव हैं वो भी उनके लिए भी सबसे बड़ा बाजार, सबसे बड़ा इलाका हो जाता है, तो वो यहाँ पर आते हैं, तो एक ऐसा एक केंद्र में एक ऐसी जगह है जहां पर बाहर से भी लोग आ रहे हैं। कितना नजदीक पहुंच पाएंगे राहुल गांधी के लिए ये सवाल नहीं है, लेकिन राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे और कांग्रेस के जितने भी समर्थक कार्यकर्ता हैं, हुजूम उनका वहां पर है कि एक बार अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना स्नेह उन पर उड़ेल दें। विक्रांत, जिस तरह से राहुल गांधी पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, वक्त कम रहता है उनके पास, इसीलिए आज नामांकन के साथ साथ प्रचार एक तीर से दो शिकार हो रहा है यहां पर। जी बिल्कुल, आप ये कह सकती हैं, जैसा मैंने कहा कि 125 रैलियां पूरे देश में करनी है, कांग्रेस की कमान और कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी है, पूरे देश में उनको प्रचार करना है, तो ऐसे में यहाँ पर दोनों काम, एक पंथ दो काज आप कह सकती हैं कि नामांकन भी हो जाएगा, पूरा गांधी परिवार भी रहेगा, और उसके बाद एक साथ ही साथ एक प्रचार भी हो जाएगा रोड शो के दौरान, और उसके बाद राहुल गांधी चले जाएंगे। सूत्र बता रहे हैं कि जब नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख होगी अमेठी में, उसके बाद प्रियंका गांधी अमेठी में डेरा डाल लेंगी, उसके पहले वो 15 तारीख को एक बार रायबरेली आएंगी, 20 तारीख से रायबरेली में डेरा डाल लेंगी, तो आप कह सकते हैं कि राहुल और सोनिया के जीत के मार्जिन को बढ़ाने की जिम्मेदारी कम से कम इस चुनाव में अब प्रियंका गांधी की हो जाएगी। तो उसके पहले बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रोड शो भी हो जाएगा, प्रचार भी हो जाएगा और नामांकन भी भर जाएगा, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। रामकृपाल जी, अगर एक सेलिब्रिटी उम्मीदवार, वीआईपी उम्मीदवार होता है जिसके प्रधानमंत्री बनने के भी आसार रहते हैं, वैसे में उसके ऊपर एक एडवांटेज हो जाता है उसे अपने इलाके में, बाकी उम्मीदवार भले ही वहां पर दिन रात पसीना बहा लें, लेकिन एक दफा वहां पर आकर एक दफा अपनी झलक दिखा जाना, एक बार अभिवादन कर देना, किसी को नाम से पुकार लेना, यही उनके लिए काफी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए वैसे भी, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस के बारे में लागू होता है, ये किसी भी पार्टी में होता है, जो जितने बड़े पद पर होता है उसके सामने चुनौतियां अलग होती हैं और समय बहुत कम होता है, तो वो स्थानीय नेता की तरह डेरा नहीं डाल सकता, और मैंने जैसा कहा कि उसके लिए ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि विकास करना है, कल को मोदी जी भी प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो रोज़ गुजरात में नहीं रहेंगे, तो एक ये होता है, तो जनता भी उसी अनुपात में उम्मीद रखती है, जनता भी जानती है कि भाई राजीव गांधी जैसे थे तो राजीव गांधी रोज़ जाके अमेठी में नहीं रह सकते थे, जनता जानती थी कि एक बार भी आएंगे तो बहुत काफ़ी वही उनके लिए होता था। और जैसा कि आपने सही कहा कि कोई अगर किसी को नाम से पुकार ले, इतनी जगह बैठे जिसके पास वीवीआईपी है, बहुत समय कम है, देश की चुनौतियां सामने होती तमाम, उसमें से भी समय निकाल करके अगर कोई पहचान किसी को पहचान लेता है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो पहचाने भी नहीं, लेकिन अगर लोगों को ये लगता है, विश्वास होता है कि इस आदमी के लिए, हमारे सबके लिए दर्द है इसके दिल में, और ये कर पाए या न कर पाए कोशिश करता है, तो मैं समझता हूँ वो किसी भी विश्वास से बड़ी चीज़ होती है। चलिए यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, कुछ ही मिनटों में बताया जा रहा है कि राहुल गांधी वहाँ पर पहुँच सकते हैं गौरीगंज से, उसके बाद नज़दीक ही है जहाँ पर उन्हें नामांकन अपना दाखिल करना है।